नमस्कार। घमंड जानते हैं क्या चीज है? हम जानते हैं क्या चीज है घमंड। हम ये ऐसा शब्द है ना, हम, हम का मतलब हम, ये हो गया हम, मतलब आपके अलावा कोई नहीं। और ये शब्द जीता जागता अगर उदाहरण देखना है ना, तो रावण का देख लीजिए, कंस का देख लीजिए, कौरव का देख लीजिए, इन लोगों का किस तरह से घमंड चकनाचूर हो गया, ये देखने को मिल जाएगा। जब आप इतिहास में जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो कि आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उससे अनुभव ले सकते हैं और अपने जीवन में उसको ढाल सकते हैं और उसके अनुसार आप कार्य कर सकते हैं। यानी कि हम किए, घमंड किए तो कहाँ पे आप चले गए, किस स्तर पे आप बर्बाद हो गए, ये चीजें उसमें देखने को मिल जाती है। अब आप सोच रहे हो कि इस वक्त मैं इस चीज से, इन बिंदुओं पर क्यों बात कर रहा हूँ। एक वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, किसी कार्यक्रम का वीडियो है जिसमें सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका वीडियो में देखा जा रहा है कि विनोद कांबली चेयर पे बैठे हुए, सचिन तेंदुलकर आते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, अपना नमस्कार अदाब करते हैं और करने के बाद से सचिन तेंदुलकर चले जाते हैं। जितने सारे व्यूअर्स हैं सोशल मीडिया पे, जो भी जुड़े हुए लोग हैं, सारे के कमेंट आता है कि ये एक वक्त था जब विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर दोनों ने मिल करके अपने जीवन को शुरू किया था, यानी कि क्रिकेट की दुनिया में। और आज सचिन तेंदुलकर का स्तर क्या है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका खाने पीने का और चाल चलन व्यवस्था, ये चीजें क्या है, और विनोद कांबली का क्या है, दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। जानते हैं ये अंतर क्यों आया है? आपने पहले देखा होगा विनोद कांबली को हम हो गया था, घमंड हो गया था और नशे में बिचारे चूर रहते थे, जिसका नतीजा हुआ कि आज विनोद कांबली कहाँ है और सचिन तेंदुलकर अपने फिटनेस को, अपने शरीर को, और कभी भी जो व्यक्ति पूर्व में राज्यसभा रह चुका है, जो कि भारत रत्न से सम्मानित हो चुका है, वो व्यक्ति आज तक घमंड नहीं किया और व्यक्ति आज किस स्तर पे, किस मुकाम पे खड़ा है, सो आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए जो घमंड और जो हम होता है ना, ये किसी का नहीं होता है, बर्बाद कर देता है, किसी को भी आप देख लो बर्बाद कर देता है। तो वही चीजें है जो आज के समय में जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी सोशल मीडिया पे जुड़े हुए लोग हैं, सारे का कमेंट आ रहा है। मैंने सोचा थोड़ा सा इस पे वार्ता करते हैं, बात करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से इन चीजों को, मैसेज को देते हैं बहुत सारे, क्योंकि घमंड नहीं होना चाहिए। एक चीज आपको उदाहरण पता है, जब आम का पेड़ फलता है ना, आम का पेड़ जब फलता है, उसमें फल लगता है तो नीचे की तरफ झुक जाता है, उसका झुकाव हो जाता है। वो ये नहीं है कि सीना तान करके खड़ा हो जाता है, जी नहीं, उसका झुकाव हो जाता है। झुकाव होने का मतलब समझ रहे हो क्या है? उसको हम नहीं है, उसको घमंड नहीं है, वो प्यार से आपको आ गया है। तो वो चीजें होनी चाहिए, यानी कि झुकाव होना चाहिए। अब ये नहीं कि हमारे पास पैसे आ गए, हम करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, चार चार गाड़ियां हो गई, मैं ये हो गया, भाई मेरे आगे कोई नहीं है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें होगा तो किस तरह से आप बर्बाद हो जाओगे, इसका अता पता कोई नहीं जानता है। और जिसका जीता जागता आज के समय में सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, यानी कि विनोद कांबली का, कि देखिए विनोद कांबली क्या थे, दोनों व्यक्ति यानी सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने स्टार्टिंग अपनी जर्नी जो है एक साथ की क्रिकेट के, और आज सचिन कहां से कहां चले गए, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता था। और ये भी बताते हैं कि सचिन से बेहतर प्लेयर विनोद कांबली थे, लेकिन आज विनोद कांबली खुद को खुद से बर्बाद कर दिए और आज सचिन तेंदुलकर उस अस्तित्व पे, उस स्टेज पे खड़े हैं जो कि भारत रत्न से हर किसी को सम्मानित होने का मौका नहीं मिलता है, और वो व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित हो गए और उसके बाद से राज्यसभा में भी जा चुके हैं। और विनोद कांबली, ये वीडियो बताता है कि विनोद कांबली नशे के चूर में, आज के हमारी युवा पीढ़ी है कहाँ जा रही है, नशे में जा रही है, नशे के आदिल बनी जा रही है, क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। आज के समय में आप दिल्ली, मुंबई, बड़े शहरों में जब आप देखोगे ना, तो सारे नशे में इतने चूर हो चुके हैं आज के युवा, 16 साल 14 साल 18 साल 22 साल के युवा क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, अपना लक्ष्य, अपना टारगेट नहीं देख रहे हैं कि हमें करना क्या है, जीवन में गोल क्या है, उन चीजों को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं। और बर्बाद होने का नतीजा है कि आज वो चीजें उनको दिखना चाहिए, वो वीडियो दिखना चाहिए विनोद कांबली का, कि विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर में कितना धरती आसमान का अंतर है, सो देखने को आपको समझने को मिल जाएगा। सो इसीलिए प्लीज किसी को घमंड नहीं करना चाहिए मेरे भाई। अगर आप तरक्की कर रहे हो, अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपके अंदर झुकाव होना चाहिए, आपके अंदर हम नहीं होना चाहिए, आपके अंदर प्यार होना चाहिए, आपके अंदर स्नेह होना चाहिए, सबसे मिल करके बात करने का तरीका होना चाहिए, सबसे मिलना चाहिए। ये चीजें सीखने के लिए आपको काफी है कि आप वो आम का पेड़ देखें, और अगर घमंड हुआ है तो आप कौरव और कंस, रावण, ये तीन का आप देख लेना इतिहास उठा करके, किस तरह से इनकी बर्बादी हो गई थी, क्योंकि रावण को भी घमंड था कि मेरे आगे कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। कंस को भी यही हुआ था,
और कौरव का सामने अब महाभारत जो कि सीता जी का उदाहरण है, जो कि आप देखेंगे पढ़ेंगे सो समझ में आपको मिल जाएगा कि घमंड होता है तो इंसान कहां से कहां चला जाता है और किस कदर पहुंचा तो अस्तित्व खत्म हो जाता है, मटिया मीट हो जाता है, पता नहीं चलता है कि वो कहां आया था और किस कदर उठा और किस कदर बर्बाद हो गया। वही चीज है, पॉलिटिक्स है, हर चीज है। पॉलिटिक्स में बहुत सारे लोग घमंड हो जाता है, तो भाई अब जो भी हूं मैं हूं, करता धरता मैं हूं, इस जनता का मालिक मैं हूं। अरे भैया जनता का मालिक तुम नहीं हो, जनता ने तुमको चुना है, उस जनता ने 5 साल पे एक बार उसको मौका मिलता तो तुमको हटाने का भी तरीका जानते हैं। लाना जो जानता है ना वो बर्बाद करना भी जानता है। यानी कहा गया ना कि जो पंडित जी विवाह कराते हैं वो श्राद्ध भी कराते हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों पे और इन चीजों से कभी भी हम आ जाए तो इन तीन लोगों का उदाहरण देख लेना, खासतौर से भी वर्तमान में विनोद कांबली का देख लेना, और घमंड ना आए तो आप अगर आपके पास पैसे हो गए, रुतबा हो गया, हर चीज हो गया, तो आप एक बार सचिन तेंदुलकर, बड़े लोग जैसे कि रतन टाटा जी को आप देख लेना जो कि आज स्वर्गवास हो चुके हैं, उनको देख लेना। ऐसे ऐसे हस्तियां हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो किस तरह से अपने जीवन को सार्थक बनाए, किस तरह से आगे बढ़े और आज उदाहरण के तौर पर पेश होते हैं। तो भाई जिंदगी में अगर आगे बढ़ रहे हो, खूब बढ़ो, तरक्की करो, आसमां छुओ, बट कभी भी धरती से अलग मत होना, क्योंकि धरती से जिस दिन अलग हो गए ना, पंख जिस दिन तुम्हारे कट गए, फिर पता नहीं चलेगा कहाँ गिरोगे, इंडिया में गिरोगे, ऑस्ट्रेलिया गिरोगे, श्रीलंका गिरोगे या साउथ अफ्रीका जाओगे, पता नहीं चलेगा। उड़ रहे हो उड़ो, बट धरती पे जुड़ाव रखो और उसके साथ मिल करके रहो। खैर चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देखो पेज को फॉलो करिए, और मैं आप सभी के बीच कुछ मोटिवेशनल चीज़ें, कुछ अलग अलग चीज़ें लेकर आते रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो आपको कैसा लगा और ये चीज़ें देखे तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर कमेंट करिए। जय हिंद।